लेकिन स्ट्रेस के बाद ही सेटिस्फेक्शन आता है। उस शाम को, जिस शाम को आपका स्टोरी जाएगा और ये सारे सेटिस्फेक्शन मिलेंगे, तो आप स्वयं एहसास करेंगे कि वो स्ट्रेस अच्छे थे। तो मैं क्या किया, नाम को थोड़ा ट्विस्ट किया। अयम आकाशवाणी संप्रति वार्ता सूर्यंता प्रवाचका वीरेंद्र शर्मना, मैंने कहा ये फिट बैठ रहा है। अब मैं अपने आप में न्यूज रीडर बन गया, लेकिन मैं आप सबसे आग्रह यही करूंगा कि ये छात्रों का शो है जो सीख भी रहे हैं और आपसे साझा भी कर रहे हैं। इन्हें जरूर प्रोत्साहित कीजिए, इनकरेज कीजिए। मैं आप सबसे यही निवेदन करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। तो भैया ऐसा है कि चिल्लम चिल्ली भरी इस दुनिया में कभी कभी चिल करना बहुत जरूरी होता है, और जब भी हम चिल करना चाहते हैं तो अनायास ही ये यंत्र हमारे सामने आ जाता है। और जब इसको खोलते हैं तो इसके ऊपर कच्चा बादाम और पतली कमरिया जैसी अनेक प्रस्तुतियां हमारे मनोरंजन के लिए हाजिर है, जिसे घंटों तक देखने के बाद हम ये सोचते हैं कि क्या देखा और क्यों। आपके साथ ऐसा ना हो, इसीलिए आईपीएमआई की तरफ से एक छोटा सा प्रयास है द चिल्ड आउट शो, जहां हम करेंगे चिल और बहुत सारी बातें हमारे रेस्पेक्टिव गेस्ट्स के साथ। वो गेस्ट जिन्हें आपने शायद कभी टीवी पे देखा हो, वो गेस्ट जिनसे आप शायद कभी पढ़ हो, वो गेस्ट जिनसे अगर आप मीडिया इंडस्ट्री से ताल्लुक रखते हो तो कभी ना कभी तो जरूर मुलाकात होगी। ऐसे ही एक गेस्ट आज हमारे साथ है, डॉक्टर बी के चौधरी सर। एवरीवन प्लीज। सर के बारे में ज्यादा बोल के बताना मुमकिन नहीं, जितना बताया जा सकता है और जितना हमारी इस छोटी सी मुलाकात और बात में आप समझ सकते हैं वो बताने की कोशिश करता हूँ। सर ने अपने पत्रकारिता के सफर की शुरुआत आज तक में बतौर प्रोड्यूसर किया, उसके बाद सर ने न्यूज एक्स नेटवर्क ज्वाइन किया, फिर सर टाइम्स नाउ नेटवर्क में बतौर सीनियर एडिटर गए, उसके बाद कंसल्टिंग एडिटर भी बने। साथ ही सर ने मुद्दे की बात और न्यूज के चौधरी जैसे शोज को होस्ट भी किया है। अगर कम शब्दों में कहें तो जितनी हमारी उम्र नहीं है उतना सर का तजुर्बा है। तो आज सर के साथ हम थोड़ी बात करेंगे, थोड़ा लाइट तरीके से चिल करने की कोशिश करेंगे। सर बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे शो पे आने के लिए, हमें अपना बहुमूल्य समय देने के लिए। तो सर देखिए, ऐसे हमारा शो बिल्कुल चिल है, हम रिलैक्स करके बात करने वाले, क्योंकि न्यूज़ इंडस्ट्री को बहुत ज़्यादा एक स्ट्रेसफुल इंडस्ट्री मानते हैं, जहाँ पे प्रेशर हमेशा रहता है, जॉब का लोड बहुत रहता है, और वहीं पे सेटिस्फाइंग जॉब भी है। जितने भी हमारे दर्शक हैं, जितने भी हमारे साथी हैं, सब एस्पायरिंग मीडिया प्रोफेशनल्स हैं। तो सबके मन में सवाल रहता है सर कि क्या ज़्यादा हमें एक्सपीरियंस करने के लिए मिलता है, स्ट्रेस या वो सेटिस्फैक्शन जो हम मीडिया इंडस्ट्री से चाहते हैं। सबसे पहले आप सबको नमस्कार, धन्यवाद, आपने मुझे अपने कार्यक्रम में बुलाया, और मैं आशा करता हूँ कि आपके सारे प्रश्नों का मैं सही जवाब दूंगा, जो मेरे पास तजुर्बा है, अनुभव है लगभग 3 दशक का। आपने 2 शब्द प्रयोग किया है, एक स्ट्रेस और दूसरा सेटिस्फैक्शन। स्ट्रेस और सेटिस्फैक्शन, मेरा तजुर्बा यही कहता है, स्ट्रेस तो होता है लेकिन स्ट्रेस के बाद ही सेटिस्फेक्शन आता है। क्योंकि मेरा मानना है स्ट्रेस मुक्त होने के बाद सेटिस्फेक्शन नहीं होगा। इसलिए हम छात्रों से यही कहते हैं कि थोड़ा स्ट्रेस चाहिए। स्ट्रेस का अर्थ यह है कि काम का दबाव, परफॉर्म करने का दबाव, पीक पर जाने का दबाव, मैं इसको स्ट्रेस के रूप में परिभाषित करना चाहता हूं। और यदि ये 3 बातें बच्चों में है, और ये स्ट्रेस किस बात की, कि हम अच्छा स्टोरी करें, स्ट्रेस किस बात की कि हम अच्छा प्रोडक्ट लाएं, स्ट्रेस किस बात की कि हमारे स्टोरी का, हमारे डिबेट का नंबर आए, यानी जो व्यूअर है वो उसे पसंद करे, कोई हर्ज नहीं है। और यकीन मानिए,
यदि इन तीन बातों से स्ट्रेस के साथ आप करते हैं, निश्चित रूप से उस शाम को, जिस शाम को आपका स्टोरी जाएगा और ये सारे सेटिस्फेक्शन मिलेंगे, तो आप स्वयं एहसास करेंगे कि वो स्ट्रेस अच्छे थे। तो बहुत इंपॉर्टेंट बात है सर आपने कि स्ट्रेस को क्या होता है, हम लोग हमेशा नेगेटिव लाइफ में लेते हैं, स्पेशली द यूथ, हमारे एज के जो लोग हैं उनको लगता है स्ट्रेस मतलब तो टेंशन ही है, मतलब पॉजिटिव स्ट्रेस भी हो सकता है, काम के लिए स्ट्रेस ले रहे हो तो पॉजिटिव है। तो बहुत रिमार्केबल बात कही सर आपने। सर अब थोड़ा आते हैं पर्सनल लाइफ की तरफ। सर जैसे हमें पता आपने JNU से अपना पोस्ट ग्रेजुएट किया है, आपने अपने PhD भी JNU से ही किए। देखिए आपके प्रश्न ऐसे हैं जिसका मुझे व्यक्तिगत तजुर्बा है। राजनीति में अभिरुचि बचपन से रहा और आपको मैं बताऊं कि चुनावी राजनीति मुझे अभी भी याद है। उम्र थी 12 वर्ष, 77 का चुनाव और 80 का चुनाव भी मुझे याद है। और मैं अपने गांव में चुनाव के लिए गाना बनाता जो रैली में चलता है सर जी। और ये अभिरुचि का कारण ये रहा कि मेरे पिताजी बड़े विद्वान थे और संस्कृत साहित्य में उन्होंने बनारस से MA किया था और उनको राजनीति में बड़ा तजुर्बा था। अब विश्व की राजनीति से इतना ज्यादा उनको लगाव था कि वो हमेशा इसकी बात करते थे। शायद वो DNA मेरे में पहुंचा। और जब JNU आया तो मैं रोक नहीं सका, कदम रख दिया राजनीति में जी। दो बार चुनाव लड़ा, दोनों बार हार गया। राष्ट्रीय स्तर पर भी एक छात्र संगठन में मुझे प्रवक्ता बनाया गया, महासचिव बनाया गया। चूंकि मेरी शादी हो गई थी, अरेंज मैरिज था, तो मुझे कहीं ना कहीं एहसास हुआ कि शायद राजनीति तो ठीक है लेकिन मैं अपने व्यक्तिगत जीवन में शायद न्याय नहीं दे पा। और मैंने दिशा मोड़ी और पत्रकारिता की ओर, और संयोग से जेल में रहते हुए ही मुझे एक ऐसे व्यक्ति के साथ काम करने का मौका मिला और वहां से हमारी पत्रकारिता की यात्रा शुरू हुई। और जब एक बार शुरू हो गई तो करता गया आज तक मैं, मुझे लगता है जारी है। और सर पत्रकारिता चीज ही ऐसी है, या फिर कोई मीडिया इंडस्ट्री से एक बार जुड़ जाता है ना, फिर भले ही कितना लोड हो, कितना प्रेशर हो, अच्छी चीजें आप ढूंढ लेते हैं और उसमें मजा लेना सीख जाते हैं, है कि नहीं सर? तो सर एक चीज छोटी सी पूछना चाहूंगा कि आजकल ना यूथ के अंदर ही हमेशा रहता है वर्क लाइफ बैलेंस वाली बात। जनरली जैसे आपने कहा कि काम बहुत रहता है और आप जब पॉलिटिक्स में गए तो परिवार के साथ न्याय नहीं कर पा रहे थे, आपने भी बोला होता है, हम सब ने एक्सपीरियंस किया है। जब भी हम प्रोफेशनली बहुत अच्छा करने की कोशिश करते कहीं पे घर कॉम्प्रोमाइज हो जाता है। तो ऐसा सर कभी हुआ इसके अंदर, मतलब मीडिया इंडस्ट्री में, कि वर्क लाइफ बैलेंस की दिक्कत आ रही है? देखिए अमूमन यदि मैं ईमानदारी से कहूँ, मैं आज तक मैं नौकरी करता था, बेहतर होगा आज तक का उदाहरण देना। कभी सुबह की ड्यूटी होती थी, 6 बजे पहुंचना है तो 4 बजे जगना है घर में। शाम का ड्यूटी है 3 बजे से 12 बजे, तो वही ड्रॉप से 1 बजे रात को पहुंचना है। उसका प्रभाव यह होता था कि रात को 12 बजे यदि पहुंच रहे हैं तो घर में दोनों छोटे बच्चे हैं और पत्नी है, उनको जगना पड़ता है। और सुबह जब 4 बजे जगना होता था तो बच्चे जग जाते। तो यदि मैं ये कहूं कि परिवार पर इसका प्रभाव नहीं पड़ा, ये तो न्याय नहीं होगा। हुआ ये
कि बच्चे जगने लगे, बच्चे सवेरे उठने लगे, और यदि वो सोए रहते थे तो मुझे याद है कि मेरा बेटा कहता था रात को सोते समय कि पापा गुड नाइट की जगह है गुड मॉर्निंग, क्योंकि पता नहीं अब कल मिलेंगे आप, सही बात है, सुबह हो जाएंगे। तो ये प्रभाव तो पड़ता है, ऐसा मैं नहीं कहता, लेकिन होता ये है कि देखिए, एक पत्रकारिता हो, चाहे वो वकालत हो, चाहे वो कोई भी सामाजिक कार्य हो, जिसमें आप लग जाते हैं ना, और यदि पूरे मन से लग जाते हैं तो उसके साइड इफेक्ट तो हर चीज का होता है। लेकिन वो एक एक कहावत है कि कोल्ड वॉर में पूरी दुनिया अस्त व्यस्त हो गई, लेकिन कोल्ड वॉर में एक नया सिस्टम इन्वॉल्व, दैट वॉज इन द कैओटिक वर्ल्ड बट दैट वॉज अ सिस्टम, सो वी अडॉप्ट दैट सिस्टम इन आवर प्रोफेशनल लाइफ लाइक जर्नलिस्ट, और उसी कैओस में लाइफ भी चलता है, बच्चे भी चलते हैं, परिवार भी चलता है, और आपका फ्यूचर भी आगे बढ़ता है। बिल्कुल, और मैं इसको सीरियसली नहीं ले रहा आप लोग, पर फैमिली में अपने आप में सब कोल्ड वॉर से कम नहीं है। जैसे बात कर रहे हैं वर्क लाइफ बैलेंस की, एक छोटा सा ऐसे पर्सनल वाला मेरा क्वेश्चन है, कभी ऐसा हुआ है कि मतलब घर से कुछ सामान वामान लाने के लिए बोला गया हो और आपने मतलब भूल गए हो काम के उसमें, या काम के उसमें नहीं भी हो तो भी भूल गए और घर पर बोलते बहुत काम था भूल गए? देखिए, एक तो परेशानी ये होती थी, मैं बताऊँ आपको, कि मैं 1 बजे आता था रात को ड्यूटी से, अब 2 बज जाता था, आते तो आप सो नहीं जाएंगे, मशीन तो है नहीं जो ऑन ऑफ कर लेंगे, बच्चे को छोड़ने नहीं जाता था मैं स्कूल बस पे, और इसकी शिकायत हमेशा मिलती थी परिवार में कि आप तो बच्चे को छोड़ने जाते नहीं। उनका कहना था सोते तो हम भी उसी समय है, लेकिन हमें जगना है क्योंकि बच्चे को छोड़ना है, आपको इसलिए डिस्टर्ब नहीं करते कि आपको फिर जाना है ऑफिस। और जहां तक आपका सवाल है, ये सवाल एक बार क्या दर्जनों बार ये होता था कि नहीं अरे बड़े तो मैंने तो किया ही नहीं, तो आंसर मिलता था अब करते कब अपने नौकरी का लाभ, सच यही है, और फिर मैं चुप हो जाता था, बोल भी नहीं सकते सर, गृह मंत्रालय में इससे ज्यादा क्या बोले, तो क्या किए नहीं ना, गृह मंत्रालय का यह है कि यदि मैंने डिलीवर नहीं किया तो नहीं किया, और उसको आप निगेट तो कर नहीं सकते, आपने नहीं किया, बिल्कुल सही बात, तो सिवाय इसके कि हंस के ये कहना हाँ मैं तो भूल गया। नहीं, ये तो है सर, घर में अगर कुछ भी ऐसा हो तो सबसे सेफ ऑप्शन है कबूल कर लो, है कि नहीं? बिल्कुल सेफ है, सबसे सेफ है, कोई उसके ऊपर फिर क्रॉस क्वेश्चन नहीं होती, क्योंकि हर फिर आपको जाना है 2 बजे ऑफिस, सही बात, फिर आपको आना है रात में, मंत्रालय के सपोर्ट के बिना कहाँ से कार्यालय जाइए, नहीं चले। तो सर नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा है कि जब आपने शुरू किया जर्नलिज्म, सर के बारे में थोड़ा सा मैं आपको और अपने दर्शकों को बता देता हूँ, सर की पृष्ठभूमि बिहार से है और सर ने 1989 से 1988 तक मंदिर में 79 से 1988 तक सर ने मंदिर में बतौर पुजारी सेवा दी है, उसके बाद इनका सफर पूरा शुरू हुआ है, JNU से लेके बड़े बड़े न्यूज चैनल्स तक, मीडिया इंडस्ट्री में अपना इतना बड़ा नाम बना लिया। तो नेक्स्ट सवाल सर मेरा वहीं से है कि सर आप मंदिर में सेवा देते हैं बतौर पुजारी, वो मतलब निस्वार्थ भाव का काम होता है और आप समाज सेवा ही समाज कल्याण ही कर रहे हैं वहाँ, तो कब ऐसा लगा कि अब हो गया कुछ और करते हैं, पत्रकारिता की तरफ रुचि कहाँ से जाती है? देखिए, मंदिर में तकरीबन 10 वर्ष में पुजारी था, और चूँकि मेरे पिताजी पुजारी थे और उनकी आकस्मिक मृत्यु हो गई, और उसके बाद परिवार चलाना है, दाल रोटी हर व्यक्ति को चाहिए, तो मैं ये नहीं कहूँगा पहले लाइन में कि मुझे आस्था की वजह से मैं मंदिर में था, जरूरत की वजह से था, क्योंकि पिताजी करते थे तो हमें भी करना था, परिवार चलाना था, और एक पढ़ने का जुनून था बचपन से, जैसे राजनीति का जुनून था, तो मैं कैसे JNU पहुंचा ये तो पता नहीं मुझे, क्योंकि मैं उस मंदिर से तब तक जुड़ा रहा और जब तक मैंने ग्रेजुएशन किया गांव में रहते ही,
शायद ईश्वर का आशीर्वाद था कि गांव में रह के भी मैं रिजल्ट अच्छा किया, और वो बिना आशीर्वाद के संभव नहीं था, चाहे 10th का हो, चाहे 12th का हो, चाहे ग्रेजुएशन का हो। लेकिन मुझे लगता है उसके बाद शायद ज़रूरत उसकी ख़त्म हो गई थी, और JNU का नाम सुना था मैंने, दाखिला के लिए अप्लाई किया था ये सोच के कि मेरा नहीं होगा, लेकिन पता नहीं हो गया। आज भी मैं सोचता हूँ अपनी काबिलियत से ज़्यादा शायद ईश्वर का आशीर्वाद था कि मैं वहाँ पहुँच गया, क्योंकि मेरे बचपन में मुझे याद है बड़ा शौक था पढ़ने का, तो मैं अपने 7th-8th किताब पे लिखता था वीरेंद्र चौधरी हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, और लिखा हुआ एक किताब मेरी पत्नी को मिल गया जब शादी हुई, सोचिए कब की बात है ये, तो बोलती ये क्या लिखते थे, बोले मुझे मन करता था मैं भी हार्वर्ड जाऊँ, लिखता था। खैर वो हुआ नहीं, JNU पहुँचा। जहाँ तक पत्रकारिता का सवाल है, वो मेरे मन में कैसे आया, मेरे पिताजी संस्कृत के विद्वान थे, जैसे मैंने आपसे कहा बड़े विद्वान थे, राष्ट्रपति पुरस्कार से मिला था, बड़े अच्छे वक्ता थे, उनको याद करता हूँ, बड़ी छोटी उम्र में 14 साल में ही चले गए। संस्कृत में समाचार सुनते थे, सुबह 7 बजे आज भी आता है आकाशवाणी पर, और वो डेली सुन सुन के, और उनकी जानकारी, इतिहास की जानकारी मुझे हमेशा मिलता रहा, हमेशा वो देते रहे, बहुत ज्ञानी थे। वो शब्द मुझे बाद में पता चला कि मैं पत्रकारिता से कैसे क्यों प्रभावित हुआ, आज भी याद है मुझे, मुझे दिमाग में ये बिल्कुल बैठ गया था। मैं आपको भी सुनाना चाहूँगा एक लाइन कि अयम आकाशवाणी संप्रति वार्ता सूर्यंताम प्रवाचका बलदेवानंद सागर, मेरा नाम नहीं है वो, उस समय के जो न्यूज रीडर थे संस्कृत में उनका नाम था बलदेवानंद सागर, और मैं करता ये था, शौक देखिए, बच्चा का शौक देखिए या फ्यूचर का देखिए, हमें नहीं पता था, मैं क्या करता था, अयम आकाशवाणी संप्रति वार्ता सूर्यंताम प्रवाचका वीरेंद्र चौधरी ही नहीं बैठता था, न उतनी समझ थी, 12 वर्ष 11 वर्ष में क्या समझ होगी, तो मैं क्या किया, नाम को थोड़ा ट्विस्ट किया, अयम आकाशवाणी संप्रति वार्ता सूर्यंताम प्रवाचका वीरेंद्र शर्मणा, मैंने कहा ये फिट बैठा है, अब मैं अपने आप में न्यूज रीडर बन गया। तो वहां से मुझे लगता है पत्रकारिता का शायद हम कहीं ना कहीं अपने को जोड़ते हैं। सही बात है सर, अक्सर ऐसा होता है ना बचपन में जिस चीज जो खेल रहे होते हैं या कुछ भी ऐसी गतिविधि करते हैं, वो आगे चल के हमारे जीवन में बहुत प्रभाव डालता है, और वही सर शायद आपके साथ भी हुआ जो आपको पत्रकारिता तक खींच के ले आया। जी सर, एक चीज मुझे पूछना था, जब बिहार से आप दिल्ली आए JNU, तो ऐसा कोई कल्चरल शॉक लगा, मतलब यहाँ तो दुनिया बिल्कुल ही अलग है यार, मतलब हमारे यहाँ तो ऐसा नहीं होता है, कुछ नया कर रही है। देखिए वो तो हर व्यक्ति को, अब बिल्कुल मैं छोटे शहर में भी नहीं था, मैं ग्रेजुएशन तक गांव में था, स्कूल मैंने किया मेरे गांव से 3-4 किलोमीटर था, 12-10 मिनट तक तो पैदल जाता था, कॉलेज में आया तो मधुबनी शहर में गांव था 13 किलोमीटर, डेली अप डाउन करते थे, तो निश्चित रूप से पारिवारिक चाहे सामाजिक पृष्ठभूमि तो वही था, और सीधे आप, मेरे गांव का नाम बेलाम है, मधुबनी जिला में है, बड़ा ही फेमस वहाँ पर एक शुगर फैक्ट्री हुआ करता था, इंडिया शुगर जो काफ़ी एक्सपोर्ट किया जाता था उन चीनी को, लेकिन वो बंद हो गया, चल नहीं रहा। तो अब बेलाम गांव से जब मैं JNU आया तो मुझे याद है क्लास में बैठता था, सबसे पहले तो ये हुआ कि जब वो फ्रेशर्स वेलकम होता है किसी इंस्टीट्यूशन में, पहले JNU अपने आप में एक छोटा हिंदुस्तान है, लोयला कॉलेज से लेके सेंटर स्टीफंस तक श्रीराम कॉलेज सारे बच्चे होते हैं, मैं RK कॉलेज रामकृष्ण महाविद्यालय मधुबनी, तो जब फ्रेशर्स वेलकम हो रहा था तो मुझे याद है कि सब अंग्रेजी में बोल रहे थे, मेरे धर्म संकट था कि मैं हिंदी बोलूँगा कैसे करूँगा क्या करूँगा, तो क्या हुआ कि मैंने बोला कि मेरा नाम वीरेंद्र चौधरी है, मैं रामकृष्ण महाविद्यालय मधुबनी से ग्रेजुएशन किया हूँ, कुछ बच्चे उसमें हंस दिए, तब मुझे बड़ा तौहीनी लगा कि शायद मैं हिंदी बोल रहा हूँ, ऐसा नहीं था मैं अकेले हिंदी वाला था और भी 2-4 लोग थे, लेकिन मैं अपने कॉन्फिडेंस के साथ बोल रही, तो पहला दिन तो वो था कि जो हमें बड़ा थोड़ा अजीब सा लगा। उसके बाद परेशानी एक हुई कि क्लास में इंग्लिश मीडियम में पढ़ाई होती थी,
और हम ठेठ हिंदी मैथिली मीडियम, हमारे तरफ ये होता था कि जब हिंदी में नहीं समझते हैं मधुबनी में, तो मुझे अभी भी याद है टीचर का नाम लेना चाहूँगा प्रोफेसर बी एन महतो, वो मैथिली में समझाते थे अपनी भाषा, हमारी मातृभाषा मैथिली है। अब मैथिली से सीधे अंग्रेजी जब क्लास में बैठे होते थे तो आधी बात तुम समझते ही नहीं थे। सही बात है, अपने आप में ही वो एक शॉकिंग चीज़। तो एक आपका समय ले रहा हूँ मैं, एक हमारे एचओडी थे प्रोफेसर बक्सी, उनके पास गया कहने कि सर मैं तो समझ ही नहीं पा रहा। उन्होंने कहा कि नहीं समझना तो पड़ेगा, आप मुझे लिख के दिखाओ, लिखो अंग्रेजी में, बोलो अंग्रेजी में जैसे भी बोलते हो। तो लिखना पढ़ना दोनों जो है, अब बोले कि मैं चेक करूंगा आपका कॉपी। एग्जाम हुआ, कॉपी चेक किया, उन्होंने कहा कि मैं आपको बी प्लस या ए माइनस दिया हूँ, प्लस डिवीजन है, इसलिए नहीं दिया हूँ कि आप कमजोर हैं, इसलिए दिया हूँ कि आपने तथ्य सारे लिखे हैं, जो एक पैरा में होगा आपने चार पैरा लिखा है, क्योंकि आपको लगता मैं कैसे बताऊँ अंग्रेजी। सही बात है, जब लैंग्वेज में कमांड नहीं होता तो अपने आप हम ज्यादा लिख लेते हैं। उनकी हिदायत थी कि आप हिंदी में लिखोगे नहीं आप, फिर जेएनयू का फायदा क्या। सही बात है, फिर वहां से धीरे धीरे, तो वो जो है ना उसके बाद धीरे 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 समझिए जेएनयू अपने आप में। मैं क्या कहूँ, यही कहना चाहूंगा छात्रों को कि उस जेएनयू का मैं इतना ऋणी हूँ, जेएनयू के बिना मैं कुछ नहीं। बिल्कुल सर, और देखिए आजकल क्या है कि लाइफ पॉजिटिव नेगेटिव हर चीज़ पे पढ़ते रहती है, उस चीज़ से अलग हटके आपने जैसे हार्वर्ड की बात की थी, जेएनयू हमारे लिए उससे कम बड़ा इंस्टीट्यूट नहीं है। आप सर का ही एग्जांपल देखते थे, हमारे दर्शकों को बताना चाह रहा हूँ कि कहाँ मधुबनी से दिल्ली में मीडिया इंडस्ट्री के अंदर इतना बड़ा नाम बनाना और एक अपनी इतनी अच्छी पहचान कायम करना, इसमें जो चीज़ सहायक साबित हो रही है, जो एक लॉन्चिंग पैड की तरह काम कर रही है, वो यूनिवर्सिटी है जेएनयू। और आप सर, आप जैसे बहुत से लोग वहाँ से निकले हैं कि नहीं सर? तो अपार्ट फ्रॉम दिस एक छोटा सा क्वेश्चन सर, उसके बाद हम वाइंड अप की ओर बढ़ेंगे, दर्शकों का ज़्यादा टाइम मिलेंगे। मीडिया इंडस्ट्री में आए, बहुत से लोगों के साथ आपने काम किया है, कुछ ऐसे चेहरे भी हैं जिन्हें टीवी पे लोग अक्सर देख रहे हैं, आपके साथ कितने लोग आए शो के ऊपर भी, तो कोई एक ऐसी छोटी सी बात जो आपको आज तक आपके किसी भी कुलीग की जो इंस्पायर करती है और जो हमारे ऑडियंस को भी इंस्पायर कर सके, हमको भी इंस्पायर कर सके, हमारे दोस्तों को भी इंस्पायर कर सके। देखिए सवाल तो बहुत अच्छा है आपका, और ये सही है कि मैं बहुत लोगों के साथ काम करने का मुझे मौका मिला, और इसके लिए मैं उन सभी व्यक्तियों को धन्यवाद ज्ञापन करना चाहता हूँ। सबका नाम भी नहीं ले सकता, इतने नाम हैं, लेकिन ये निश्चित रूप से मैं कहूँगा कि जेएनयू में भी कुछ व्यक्ति थे जिनसे मैं बड़ा प्रभावित हुआ, और जो मेरे प्रोफेसर थे उनसे मैं बहुत ज़्यादा प्रभावित आज भी हूँ। प्रोफेसर कांति बाजपेयी, बड़े श्रद्धा से उनका नाम लेता हूँ, क्योंकि उन्होंने जो मुझे सिखाया पढ़ाया, शायद मेरे पास कोई भी शब्द नहीं है कि उस ऋण से मैं अपने आप को ऋण कर सकूँ। उसी प्रकार मीडिया में भी कई लोग ऐसे मिले जिनसे मैं सीखा, आज भी सीख रहा हूँ, उस ऋण से भी मैं कभी उऋण नहीं हो पाऊंगा। लेकिन एक व्यक्ति का नाम लेना थोड़ा मुझे सही नहीं लग रहा है, क्योंकि इतने लोगों से इतने नाम हैं। हाँ, इंस्टीट्यूशन का नाम लूंगा मैं, आज तक बहुत बड़ा इंस्टीट्यूशन है जहां पर हमने स्वयं काम किया है वर्षों, और ये ऐसा इंस्टीट्यूशन है कि हिंदी चैनल जहां भी बना वहां पर आज तक के कोई ना कोई रहे गए और उन्होंने काम किया। टाइम्स शो में भी काम किया मैंने, जहां पर उनके साथ बहुत कुछ करने का मौका मिला, देखने का मौका मिला। कई लोग ऐसे हैं जिनके बातों से, विचारों से, व्यवहार से, क्योंकि देखिए जाति तौर पर मैं थोड़ा अलग किस्म का आदमी हूँ, थोड़ा नेगेटिव भी है, थोड़ा पॉजिटिव भी है। मैं उस व्यक्ति को ज़्यादा पसंद करता हूँ जो साफ सुथरा व्यक्ति है, अब वो मेरे लिए आइडियल होते हैं। दुनिया उसकी नहीं है, लेकिन उस दुनिया की धारा के विपरीत मेरा विचार है और मेरी अपनी आस्था है, और मैं उस आस्था के प्रति आज भी उतना ही अड़िग हूँ जितना मैं आज से 30 साल पहले था। यही हो मेरा मुझे। और सर, इसी के साथ हम आज अपने चिल्ड आउट शो को विराम देने की कोशिश करेंगे, और अपने ऑडियंस को बोलूँ कि देखो आज हमने जो भी यहाँ पे बात की, सर ने जो एक्सपीरियंस शेयर किया,
आपने जो टाइम इस वीडियो को देखने में दिया है, सबसे पहले तो थैंक यू उसके लिए। इसके अलावा जब भी हम कोई कंटेंट कंज्यूम करते हैं या जब भी रोकिनी को सुनते हैं, जैसे आज हमने सर को सुना, तो उन कहानियों में कुछ ऐसे लेसन्स, कुछ ऐसी सीख छुपी होती है जो हमारे लाइफ को ट्रांसफॉर्म करने का मादा रखती है। इसको पहचानना बहुत ज़रूरी है और इसी उम्मीद के साथ हमने ये चिल्ड आउट शो का कॉन्सेप्ट शुरू किया है। आज हमारा पहला एपिसोड हमने सर के साथ शूट किया। सर बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे शो का देखने के लिए। थैंक यू सो मच। हार्दिक शुभकामना देता हूँ कि आपका शो सफल हो, और जहाँ तक मेरा सवाल है, आपके चिल्ड आउट शो को मैं कितना चिल्ड आउट कर पाया ये हमें नहीं पता, ये तो या आप बताएंगे या हमारे दर्शक बताएंगे। लेकिन मैं आप सबसे आग्रह यही करूंगा कि ये छात्रों का शो है जो सीख भी रहे हैं और आपसे साझा भी कर रहे हैं। इन्हें जरूर प्रोत्साहित कीजिए, इनकरेज कीजिए। मैं आप सबसे यही निवेदन करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद।